हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, मैं हूं घनश्याम धीवर और आप देख रहे हैं हिंदी टेक एंड टिप्स यूट्यूब चैनल। दोस्तों, फेसबुक एप्लीकेशन का यूज़ कौन नहीं करता, हम सब करते हैं, मैं भी करता हूं, आप भी करते हैं। फेसबुक में हमारे पास कई सारे फ्रेंड रिक्वेस्ट आते हैं, हम भी फेसबुक में कई लोगों को फ्रेंड रिक्वेस्ट सेंड करते हैं जिन्हें हम जानते हैं, लेकिन कई सारे फ्रेंड रिक्वेस्ट हमारे पास ऐसे भी आते हैं जिन्हें हम नहीं जानते। जैसे मेरे पास एक फ्रेंड रिक्वेस्ट आया नेहा शर्मा के नाम से, एक लड़की के आईडी है और मैं इस लड़की को नहीं पहचानता हूँ। अब दोस्तों, मैं कंफ्यूज हूँ यहाँ कि मैं डिस्टर्ब हो रहा हूँ कि मैं इस फ्रेंड रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट करूँ या ना करूँ, क्योंकि मैं इस लड़की को नहीं जानता हूँ और हो सकता है ये आईडी फेक हो, कोई लड़का ही हो जो लड़की बनकर लड़की की आईडी से मुझसे बातें करना चाहता है, मुझे बेवकूफ़ बनाना चाहता है। दोस्तों, इस तरह से आप सभी को भी कई सारे ऐसे फ्रेंड रिक्वेस्ट आते होंगे और आप भी कंफ्यूज हो जाते होंगे कि आखिर सोचते होंगे कि ये आईडी ओरिजिनल है या फेक है, मुझे इस फ्रेंड रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो दोस्तों, आज मैं आप सभी के लिए एक ऐसी ट्रिक लेकर आया हूँ, बस सिंपली आपको उस ट्रिक को यूज करने के बाद सिर्फ एक सेकेंड में आप पता कर सकते हैं कि आपके पास जो फ्रेंड रिक्वेस्ट आई है वो ओरिजिनल है, फेक है या ओरिजिनल है। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिए। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को कर लीजिएगा सब्सक्राइब, साथ ही इस बेल आइकन पर क्लिक करके इस ऑल आइल आइकन को दबा दीजिएगा, इसी तरह की इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन वाली वीडियोस आगे भी देखते रहने के लिए। सो फ्रेंड्स, सबसे पहले आपको क्या करना, आपके पास जो भी फ्रेंड रिक्वेस्ट आया हो उसका आपको प्रोफाइल पिक्चर को ओपन करके उनके प्रोफाइल पिक्चर का आपको एक स्क्रीनशॉट ले लेना है, या आप उनके प्रोफाइल पिक्चर को आप डाउनलोड भी कर सकते हैं। आपको डाउनलोड करने का वहाँ सेव ऑप्शन का मिल जाता है, सेव फोटो का, तो आप या तो उनके प्रोफाइल पिक्चर को सेव कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उसके बाद फ्रेंड्स, आपको एक छोटी सी एप्लीकेशन डाउनलोड करनी होगी। इस एप्लीकेशन का डाउनलोड लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दे दिया, आप वहाँ से भी इस एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं। डाउनलोड करने के बाद सिंपली फ्रेंड्स, आपको नीचे प्लस के आइकन पर क्लिक करना है। अब प्लस के आइकन पर क्लिक करने के बाद दोस्तों, उस फोटो को इस एप्लीकेशन के अंदर में आपको अपलोड कर देना है। ये एप्लीकेशन क्या करती है फ्रेंड्स, उस फोटो को गूगल पे सर्च करेगी। अगर कोई भी बंदा या कोई भी बंदी उस फोटो को गूगल से या किसी की इंस्टाग्राम आईडी से या फेसबुक आईडी से डाउनलोड किया होगा और फेक आईडी बनाया होगा तो ये एप्लीकेशन आपको बता देगी। तो मैंने यहाँ इस एप्लीकेशन के अंदर में उस फोटो को अपलोड करने के बाद मैंने सर्च किया, तो सर्च करने के बाद दोस्तों आपको कुछ सेकंड वेट करना है, ये एप्लीकेशन आपके फोटो को गूगल पे सर्च करेगी। दोस्तों, फाइनली आप देख सकते हैं मेरे पास रिजल्ट आ चुकी है कि ये फेसबुक आईडी फेक है, इस फोटो को गूगल से डाउनलोड किया गया था, ये फोटो ओरिजिनल में अपलोड किया गया था www.pixel.com में वेबसाइट पे इस फोटो को अपलोड किया गया था। इस वेबसाइट में आपको ढेरों सारी फोटोस वीडियोस आपको देखने को मिल जाते हैं। तो इस वेबसाइट से इस फोटो को डाउनलोड करके एक फेक फेसबुक आईडी बनाया गया है और उस आईडी से मुझे फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजा गया है। तो दोस्तों, इस तरह से अगर आपके भी फेसबुक में कई सारे फ्रेंड रिक्वेस्ट आते हैं और आपको नहीं पता चल रहा है कि ये ओरिजिनल है या फेक है, मैं एक्सेप्ट करूं या ना करूं, तो उससे पहले आप इस ट्रिक को यूज करके आप पता लगा सकते हैं सिर्फ एक सेकंड में कि आपके पास आया हुआ फ्रेंड रिक्वेस्ट ओरिजिनल है या फेक आईडी है। तो आशा करता हूँ आप सभी को ये ट्रिक वाली वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। फिर मिलेंगे कार नए कुछ नए इसी तरह की इन्फॉर्मेशन वाली वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।